आपकी टीम जब जाती है मार्केट के अंदर तो सेल्स कैसे करके आए, क्या फॉर्मूला है? आप जाते तो सेल्स हो जाता है, आपकी टीम जाती है तो भी सेल्स कैसे होना चाहिए? तो मैं आपको आज कुछ प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स बताने वाला हूं जो आपकी टीम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपकी टीम लगातार सेल्स को इंक्रीज कर सकती है। तो वो कौन सी प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स है, जिसमें सबसे पहला है ओपनिंग। जी हाँ, जब भी आपका कस्टमर के पास में आपका सेल्समैन जाता है तो उसकी ओपनिंग सही होनी चाहिए। ओपनिंग का मतलब होता है कि आपके कस्टमर का ध्यान ग्रैब करने के लिए आपको कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे कि एज एग्जांपल, मुझे आपके वहां पर बेचने आना है तो मेरी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, मैं कौन सा प्रश्न पहला पूछूं जिससे आप मुझे जवाब दें कि आपकी तकलीफ क्या है। तो पहले हमें ओपनिंग सही तरीके से होना जरूरी है। अब जैसे जिसको हम रिटेल के अंदर ले लेते हैं, अगर आप में से किसी का रिटेल का व्यापार है, रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? जनरली होता क्या है, मानो कि आपके वहां पर रिटेल का कस्टमर है आया, तो आपके सेल्समैन कैसे खड़े होने चाहिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग। सबसे पहला कि आपके कंधे के जितनी आपके पैरों का गैप होना चाहिए। आपके सेल्समैन कभी भी हाथ रख के ऐसा करके हाथ में जेब में हाथ डाल के ये करके ये पोजीशन में नहीं खड़े होने चाहिए, ये डिफेंसिव पोजीशन है। कैसे खड़े होना चाहिए, अगर आपकी टीम आ रही है या आपकी टीम है तो सेल्स के लिए अगर कोई कस्टमर आए तो या तो ये पोजीशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये पोजीशन होनी चाहिए, और ये एक राइट पोजीशन है जिससे सामने वाले बंदे का आप वेलकम कर रहे हो। ओपनिंग, शुरुआत सही तो एंड सही, पहला। दूसरा, आपका कस्टमर अगर आपके दुकान के अंदर एंटर होता है तो 6 सेकंड के अंदर आपको उसको ग्रीट करना है। 6 सेकंड, 6 सेकंड। और अगर आपका स्टाफ मेंबर अगर सेल करने के लिए जा रहा है बाहर, तो पहली चीज का ड्रेस कोड, सेकेंडली विजिटिंग कार्ड उसके ऊपर वाले पॉकेट में होना चाहिए, थर्ड विजिटिंग कार्ड उसको दोनों हाथ से देना है और थोड़ा झुक कर देना है। समझना, कहते हैं कि आपका सेल्स पहले 10 वर्ड में पता चल जाता है कि आपका सेल्स होगा कि नहीं। 10 वर्ड्स में आपका सेल्स वहां होगा या नहीं होगा सामने वाला बता देता है। पहले 10 शब्द क्या बोलेंगे, अगर आपकी ओपनिंग सही नहीं हो रही है तो चांसेस है कि आपको क्लोजिंग नहीं होगा। तो पहला, ओपनिंग आपका सही होना चाहिए। दूसरा, प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब है कि आपको ऐसे सवाल तैयार करने हैं जिससे आप कस्टमर की नीड समझ सके, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, इसकी क्या तकलीफ है, क्या चैलेंजेस है। तो आपको नीड उसकी समझ में आए, आपको उसके लिए सवाल तैयार करने पड़ेंगे, और ये सवाल है WH वाले क्वेश्चन। WH मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ। सर क्या रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, कैसे आप चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये क्वेश्चंस होने चाहिए। तो दूसरा होता है प्रोबिंग, जहां पे आप सही सवाल पूछते हैं तब आपको सही तरीके से पता चलता है आपके कस्टमर की तकलीफ क्या है। फिर थर्ड आता है सपोर्टिंग, कि जब उनको आप प्रेजेंटेशन देते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तब यहां पर आप उसको सपोर्ट कीजिए। कई बार आपका कस्टमर कंफ्यूज होता है डिसीजन लेने में कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, इससे मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो यहां पे आपको हेल्प करना है डिसीजन लेने में, उसका कंफ्यूजन क्लियर करके। तो यहां पे सपोर्ट करना है उसको डिसीजन लेने में, उसकी हेल्प करनी है, एंड उसके बाद में फोर्थ वन आता है, एंड दैट इज क्लोजिंग। और क्लोजिंग का मतलब होता है कि अगर आपने चेक किया, कैश कलेक्ट किया, तो ही आपका सेल क्लोज हुआ। मैं कल चेक दूंगा, चेकबुक अभी नहीं है, मैं आपको RTGS कर दूंगा, मैं बताता हूं, 2 दिन के बाद में मुझे फोन कर लेना, अगर ये आपका कस्टमर बोलता है तो आपका क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है कि तो चेक या तो कैश या तो RTGS आपको ऑन द स्पॉट कर लेना है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी टीम को आपको सिखाना है, जिसमें है ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग एंड क्लोजिंग।
अगर ये चीजें आप सिखाते हैं तो आपकी टीम हर बार मार्केट में जाएगी और सेल्स लेकर आएगी।